नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल स्टार राइड्स पर। तो दोस्तों, आज आपके सामने खड़ी है महिंद्रा की तरफ से आने वाली महिंद्रा मैक्स सिटी 1.3 जो कि VXI वेरिएंट है। तो आज की इस वीडियो में इस गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बना रहे। और दोस्तों, ये 2024 का लेटेस्ट मॉडल है, तो 2024 में इसकी क्या ऑन रोड कीमत होने वाली है, कितना आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, क्या फीचर्स मिल जाते हैं, माइलेज वगैरह सारी जानकारी देने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस, ये चेक करो गाड़ी का फ्रंट लुक क्या ही लग रही है। काफी शानदार गाड़ी का फ्रंट लुक है और बहुत ही स्टाइलिश आपको मिल जाते हैं इसकी हेडलैम्प जो कि काफी शानदार लग रही है हेलोजन में क्लियर लेंस के साथ में। और नीचे आपको मिल जाते हैं पार्किंग लाइट और हेलोजन में आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर, ऊपर आपको मिल जाते हैं टर्निंग लाइट। दोस्तों, ये एक सेफ्टी फीचर है। सेफ्टी फीचर मतलब जब भी हम गाड़ी चलाते हैं रात में तो सबसे जरूरी होती है लाइटिंग। तो जब भी हम गाड़ी को टर्न लेते हैं तो ये लाइट ऑटोमेटिक चल जाती है जिससे हमारी सेफ्टी बढ़ जाती है और पूरी विजिबिलिटी अच्छे से हो जाती है साइड में। और अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर टैप, नीचे आपको मिल जाता है रिफ्लेक्टर जिससे गाड़ी आपकी दूर से सपोर्ट हो जाती है, नजर आ जाती है। और यहाँ पर आप फॉग लैंप लगा सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो। और पहले से ज्यादा मजबूत मिलने वाला है आपको टोइंग हुक जो कि काफी मजबूत है, आराम से गाड़ी खींच कर ले जा सकता है। और साथ ही काफी शानदार गाड़ी का फ्रंट लुक है। सामने आपको बड़ा सा बोनेट मिल जाता है जिससे कहीं ना कहीं हमारी सेफ्टी भी बढ़ती है और काफी शानदार गाड़ी का फ्रंट लुक भी आता है। और इसके साथ ही बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन की। फ्रंट में आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलने वाले हैं जो काफी मजबूत है और सामने से नजर आ रहे हैं। टोटल आपको 5 पट्टे का माड़ी मिल जाते हैं 100 कब्जोर के साथ में। और ये गाड़ी हर एक सड़क पर चलने के लिए परफेक्ट है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी बेहतर है जो कि आप चेक कर सकते हो, काफी ऊंची है जमीन से गाड़ी। और अच्छी विजिबिलिटी के लिए यहाँ पर आपको मिल जाते हैं काफी बड़ी विंडशील्ड और इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाते हैं डबल वाइपर सिंगल वॉशर जेट के साथ में जिसमें डबल फुहारे निकलते हैं। और ये डबल सीटिंग पासिंग है मतलब ड्राइवर के साथ में दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं सर्टिफाइड। और इसकी टॉप स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की जो कि फिक्स है, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। और इसके सेंटर में आपको मिलने वाला है क्रोम में महिंद्रा का लोगो जो कि पुराना वाला ही है कॉमर्शियल में। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं क्रोम वर्क जो कि बहुत ही शानदार लगते हैं देखने में और काफी शानदार आपको ग्रिल भी मिल जाती है काफी बड़ी साइज में। और दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं टायर साइज की। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 195/15 के टायर मिल जाते हैं, 15 इंच के आपको रेडियल टायर मिल जाते हैं ट्यूब वाले। और आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक देखने को मिलेंगे आपको। और इसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी बोलेरो मिक्स पिकअप की क्रोम बेजिंग जो कि बहुत ही प्यारी लगती है क्रोम में और रेड कलर में। और इसके पास ही आपको मिल जाता है छोटा सा टर्न इंडिकेटर। और ब्लैक कलर में आपको मिल जाते हैं आउटसाइड मिरर जो कि छोटे साइज में है, पुराने वाले पिकअप आते हैं वैसे सेम आउटसाइड मिरर है, बड़ी साइज में नहीं मिलता है इसमें आपको। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इसके डोर हैंडल, नीचे से आप इसको डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं IMX की टेक्नोलॉजी जिसके सहायता से आप अपने गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो, कितना फ्यूल बचा हुआ है, कितनी बार गाड़ी चालू हुई है, सारी जानकारी रख सकते हो अपनी गाड़ी की इसकी सहायता से। ये फीचर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, इसके नीचे वाले वेरियंट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नीचे आपको मिल जाते हैं काफी शानदार स्टीकर और गाड़ी के अंदर चढ़ने में आसानी हो उसके लिए आपको मिल जाते हैं फुट स्टेप। गाड़ी के अंदर चलने से पहले बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की। तो दोस्तों, इसकी ओवरऑल लेंथ है 4800 mm, गाड़ी की चौड़ाई है 1755 mm और इसकी ऊंचाई है 1873 mm। और इसके साथ ही गाड़ी का व्हील बेस भी काफी बेहतर है 3150 mm का जिससे आपकी गाड़ी का संतुलन काफी बेहतर बना रहेगा, मतलब अगले टायर से पिछले टायर की दूरी जो है काफी बेहतर है। और जैसा ही गाड़ी का नाम है 1.3 तो मतलब आपको 1300 किलो का पासिंग मिल जाता है, 1 टन 300 किलो आप गाड़ी के अंदर लोड कर सकते हो। और वही बात करें इसके लोड बॉडी की लंबाई की और चौड़ाई की, तो यहाँ पर आपको लंबाई मिलेगी 8 फीट 4 इंच और इसकी चौड़ाई है 5 फीट 5 इंच जो काफी बेहतर है। अच्छा खासा आपको लोड बॉडी का एरिया मिल जाता है, अच्छा खासा लोड कर सकते हो इसको हाइट को बढ़ाकर। और वहीं बात करें इसके GVW की ग्रॉस व्हीकल वेट की, तो यहाँ पर आपको ग्रॉस व्हीकल वेट देखने को मिलेगा 2825 kg। और गाइस, बात करते हैं इसके पीछे के सस्पेंशन की। तो पीछे पे आपको पट्टा कमाणी वाला सस्पेंशन देखने को मिलेगा, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन जो कि है टोटल 7 पट्टे कमाणी और ये साइड कमाणी है तो अच्छा खासा बैलेंस बना रहेगा गाड़ी का। और पट्टे कमाणी आप बढ़वा भी सकते हो ज्यादा लोड भरने के लिए। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका डीजल टैंक जो कि है 45 लीटर का और यहाँ से आप डीजल भरा सकते हो जिसके ऊपर लॉक भी लगा हुआ है। और ऐसा कुछ लुक है गाड़ी का पीछे से जो कि आप चेक कर सकते हो, काफी बेहतर गाड़ी का लुक आता है। और जैसे ही गाड़ी टॉप मॉडल है तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं LED ब्रेक लाइट, अंदर आपको मिल जाते हैं हेलोजन में टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लाइट, और नीचे आपको मिल जाते हैं रिवर्स पार्किंग सेंसर। इनकी सहायता से आप अकेले ही गाड़ी को रिवर्स ले सकते हो जो काफी हेल्पफुल रहते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं महिंद्रा की इम्बोजिंग, नीचे आपको मिल जाती है रेड कलर में रिफ्लेक्टर टेप और ऐसा कुछ आपको डाला मिलने वाला है काफी मजबूत, इसके ऊपर भी आप बॉडी बनवा सकते हो। और अगर आप मनपसंद की बॉडी बनाना चाहो तो आप चेजिस भी ले सकते हो, उसके ऊपर आप बॉडी बनवा सकते हो। और डाले के नीचे की तरफ देखे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका
सकते हैं अपनी टायर, जो कि इजिली निकाल सकते हो अगर आपको जरूरत पड़े तो। और काफी मजबूत इसका चेचिस है जो कि आप चेक कर सकते हो, काफी बड़ी फ्रेम में है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका क्रॉस मेंबर, ऊपर आपकी नंबर प्लेट लग जाएगी जिसके ऊपर लाइट भी लगी हुई है। और काफी शानदार आपको गाड़ी का रियर प्रोफाइल देखने को मिलेगा और काफी ऊंची है जमीन से, जो कि आप चेक कर सकते हो। काफी बड़ा आपको डिफरेंशियल देखने को मिलेगा गाड़ी का। और दोस्तों अगर हम दूसरी किसी डीजल गाड़ी को देखें तो एक साइड देखने को मिलता है इसका डीजल टैंक और इसके एक साइड देखने को मिलता है आपको यूरिया का टैंक, जबकि इसमें आपको यूरिया टैंक देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों अब लेकर चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या मिलने वाला है। जो ऐसा कुछ आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो डोर को। यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं, डोर ओपन कर सकते हो, यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो, मैनुअल अप डाउन करने के विंडो मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिलेगा टर्बो चार्ज इंजन के लिए, कैसे क्या आपको चलाना है जो। और ऐसे कुछ आपको फैब्रिक सीट मिल जाते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट, ऊपर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और दोस्तों इसमें आपको मिल जाते हैं हाइट एडजस्टमेंट, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ से आप रिक्लाइन कर सकते हो, यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो, तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग काफ़ी शानदार आपको सीट मिल जाती है, आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी इससे। और ऐसे कुछ आपको चाबियाँ मिलने वाली हैं महिंद्रा की बेजिंग के साथ में डबल की। और चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है फुट स्टेप और आगे में गाड़ी के अंदर कर लेते हैं इसको डोर को ऑफ। और बहुत ही शानदार आपको स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, ये पावर स्टेयरिंग में है, इसमें आपको मैनुअल स्टेयरिंग भी मिल जाता है और बीचों बीच महिंद्रा का लोगो मिल जाता है सिंगल हॉर्न के साथ में। और इस साइड मिल जाते हैं आपको लाइट्स के कंट्रोल, इस साइड मिल जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल। और ये स्टेयरिंग फिक्स है, ना तो टिल्ट होता है और ना ही टेलीस्कोपिक। लाइट लेवल बटन इसमें आपको लोअर नहीं मिलते हैं, आप अगर 1.7 लोगे या फिर 2.0 लोगे तो उसमें आपको ब्लोअर मिल जाएंगे, उसमें भी ऐसी नहीं मिलती है लेकिन ब्लोअर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ड्यूल टोन में काफ़ी शानदार डैशबोर्ड मिल जाता है, यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है, अगर आप इसको हटाकर LED लगाना चाहो, स्क्रीन लगाना चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पर आपको मिल जाता है ग्रैब हैंडल और लोकेबल ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि पहले ही गाड़ियों में नहीं आता था, तो काफ़ी शानदार ये भी चीज़ हो गई है अब। और नीचे आपको मिल जाता है हैजार्ड लाइट का स्विच और खाली स्विच भी लगा सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर आपको मिल जाता है फ़ोन चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट, खाली स्पेस फ़ोन रखने के लिए। और ऊपर आपको मिल जाता है सनवाइज़र सिंपल से, यहाँ पर आपको मिल जाता है IRVM, एक और सनवाइज़र, ग्रैप हैंडल और ऐसे कुछ। यहाँ पर आपको रूफ़ मिलने वाले हैं, पहले के कंपेयर में बहुत ही शानदार गाड़ी की रूफ़ हो गए हैं। और यहाँ पर आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, तो दोस्तों ये चेक कर सकते हो इसकी फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको ट्रिप A ट्रिप B बटन, फ्यूल गैस, टेम्परेचर मीटर, गाड़ी की हर प्रकार की जानकारी आपको इसमें मिलती रहेगी, तो काफ़ी शानदार ये भी चीज़ हो गई है अब। और वहीं बात करें इसके गियर बॉक्स की थी, तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 5 गियर एक रिवर्स के साथ में, बहुत ही शानदार इसकी गियर लीवर है। इसके पास ही आपको मिल जाता है इसका हैंड ब्रेक, आप इसको ऊपर खींच कर भी आराम से सो सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहाँ पर दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं, D+3 के साथ में आती है, ड्राइवर के साथ में दो बंदे आराम से बैठ सकते हैं। सिंगल आपको यहाँ पर मिल जाता है हेडरेस्ट और इसके पास आपको मिल जाते हैं सीट बेल्ट, तो जब भी आप गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट अवश्य पहने, बिना सीट बेल्ट के बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाएं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है बोतल होल्डर और नीचे आपको मिल जाते हैं काफ़ी स्मूथ एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक, जो कि आप चेक कर सकते हो। तो ये तो था इस गाड़ी का इंटीरियर, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो सिंपली यहाँ से कर लेते हैं बोनेट को ओपन, ये हो गया बोनेट ओपन। तो भाई काफ़ी हेवी आपको मिल जाता है इसका बोनेट, काफ़ी वजन है इसके अंदर। और भाई ये चेक करो गाड़ी का इंजन, काफ़ी तगड़ा, काफ़ी रिफाइंड इंजन है, जो कि M2DI का महिंद्रा का खानदानी इंजन है। और ये 4 सिलेंडर वाला है, M2DI 4 सिलेंडर इंजन है, जो कि 2523 cc का है। और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको 52.2 kW की पावर मिलती है 3200 RPM पर, और इसका टॉर्क है 200 Nm का। तो दोस्तों काफ़ी पावरफुल आपको इंजन मिल जाता है। और माइलेज की बात करें तो यहाँ पर आपको कंपनी माइलेज क्लेम करती है 17.2 km प्रति लीटर का, तो दोस्तों काफ़ी बेहतर आपको माइलेज भी मिलने वाला है। और इसी के साथ इसका सर्विस इंटरवल को भी बढ़ा दिया गया है, लगभग आपको 20,000 km चलने के बाद इसकी सर्विस करानी है, तो आपका सर्विस कॉस्ट भी कम होने वाला है और इसका मेंटेनेंस भी कम होने वाला है। और काफ़ी बेहतर आपको वारंटी मिल जाती है 3 साल की या फिर 1,00,000 km की, और साथ ही आपको महिंद्रा का भरोसा मिल जाता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, तो दोस्तों इसकी एक शोरूम कीमत है 8,44,000 रुपये और इसकी आपको ऑन रोड कीमत पड़ने वाली है 9,25,000 रुपये, जो कि राजस्थान के भिलवाड़ा शहर की कीमत है। तो दोस्तों अगर आप भी आसपास से इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो, काफी अच्छी डील आपको मिल जाएगी। और अगर आप अदर स्टेट से हो तो अपनी नजदीकी महिंद्रा की डीलरशिप पर जाकर चेक करें। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का फुल डिटेल रिव्यू, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ ही मेरी बात करो तो मुझे तो काफी बेहतर लगी ये गाड़ी। अगर आपका काम छोटा है, कम वजन भरना है, तो आपके लिए काफी बेहतर होने वाली है, काफी अच्छा माइलेज निकाल कर देती है ये गाड़ी। और वहीं अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप 1.7 ले सकते हो, काफी अच्छी गाड़ी है वो, उसमें आप ज्यादा लोड भर सकते हो, ज्यादा आपको लंबा
डाला मिल जाता है वो ज्यादा आपको पेलोड मिल जाता है, तो वो भी काफी बेहतर गाड़ी है, तो अपने हिसाब से गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इस गाड़ी का फुल डिटेल वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई गाड़ी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।